और सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आम पब्लिक दोनों साइड से खड़ा है और एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रहे हैं। आज मैं वायरल एम्बुलेंस वीडियो की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल में हुआ ये है, मैंगलोर के फादर मुल्लर हॉस्पिटल में 40 डे की बेबी को अचानक से हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट को ट्रांसमिट करने के लिए मैंगलोर से बेंगलोर 7 घंटे के सफर को 4 घंटे में तय करना होता है। इसीलिए एक एम्बुलेंस को तैयार किया जाता है क्योंकि फादर मुल्लर हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बेंगलोर के जयदेवा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। इसलिए एम्बुलेंस को फादर मुल्लर हॉस्पिटल मैंगलोर से बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल भेजा गया। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, मैंगलोर से बेंगलोर का सफर है 400 किलोमीटर के आसपास है, जो नॉर्मल यदि कार या गाड़ी से आप जाते हैं तो 7 से 8 घंटा लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं था। जब हम किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ से हमारे डॉक्टर के पास 3-4 से 4.5 घंटे टाइम होता है। इसलिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर तैयार हुआ और उसने बोला, मैं इस एम्बुलेंस को मैंगलोर से बेंगलोर 3.5 से 4 घंटे में पहुंचा दूंगा, लेकिन यहाँ पे हमें 0 ट्रैफिक चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे कर्नाटका के पुलिस और आम पब्लिक ने काफी ज्यादा हेल्प किया और ये एम्बुलेंस 4 घंटा 20 मिनट में मैंगलोर से बेंगलोर जयदेवा हॉस्पिटल में पहुंच गया। और इसके बाद चेन्नई के फोर्टिस अस्पताल में एक मरीज का दिल फेल हो गया था और उसे फौरन दूसरे दिल की जरूरत थी। चेन्नई के डॉक्टरों ने दिल के लिए बेंगलोर के अस्पतालों फाइनली ये इलाज सफल हुआ। इसके बाद जब एम्बुलेंस ड्राइवर, आप देख भी सकते हैं वीडियो, काफी ज्यादा स्वागत किया गया क्योंकि यहाँ पे जो 7 से 8 घंटे का सफर था वो 4 घंटा में तय किया और गाड़ी का स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा भी स्पीड चला रहे थे क्योंकि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक छोटा सा बच्चे का जान बचाया। लेकिन यहाँ पे पब्लिक जानना चाह रहे थे ये बेबी जो है 40 डे का लड़का है या फिर लड़की है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये लड़का है जिसे हार्ट ट्रांसमिट हो चुका है और इसे एक और बीमारी है, निमोनिया, इसे भी इलाज चल रहा है। और 40 डे बेबी का नाम है सैफुल अजना और ड्राइवर का पूरा नाम है मोहम्मद हनी। फाइनली और उस 40 डे बेबी का फादर हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।